एमपी में बूथ की मजबूती पर बीजेपी का लगातार फोकस है। सिवनी में बूथ विस्तार पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। सागर में प्रदेश से प्रभारी रामशंकर कठेरिया होंगे शामिल। इस वक्त की खबर आपको बता दें, बूथ विस्तारक अभियान में को लेकर बीजेपी लगातार काम कर दिया दे रही है। प्रदेश में बूथ की मजबूती पर बीजेपी का फोकस है। सिवनी में बूथ विस्तार पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री सागर में प्रदेश से प्रभारी रामशंकर कठेरिया शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद और बैठक कर बूथ की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। और भोपाल से संवाददाता अरविंद शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, बैठकों का दौर, बूथ विस्तारक को लेकर जिस तरह से फोकस करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, गंभीरता से इसको लेकर मंथन हो रहा है, किस तरह से इसको क्रियान्वित करना है, किस तरह के टिप्स देना है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती दिखाई दे रही हैं। और बीजेपी यूथ पर जो फोकस करती दिखाई दे रही है, इस समय सिवनी में भी बूथ विस्तारक पर चर्चा होने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बूथ विस्तारक जो अभियान है उसके तहत हर जिले लेवल पे बैठकें चल रही है, उसी बैठक में आज केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी आ रहे हैं और सिवनी के बरघट में बूथ विस्तारक के रूप में शामिल होंगे। कुलस्ते और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रमाशंकर कठेरिया सागर के देवरी और बंडा विधानसभा बूथ में भी बैठक लेंगे। देखिए 20 मार्च को छतरपुर और महाराजपुर में भी आज बैठक होनी है। तमाम जो बैठे हैं, जो बूथ विस्तारक, देखिए भाजपा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी कमी छोड़नी नहीं चाहती है, क्योंकि 2018 का जो चुनाव था जिसमें कांग्रेस को मौका मिला था, कांग्रेस बहुत कम से अपनी सरकार बनाने पाई थी, इस बात को लेकर भाजपा सजग है और वो लगातार यह प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कहीं भी कोई चूक ना हो जिससे कहीं विपक्ष को मौका मिले और सरकार बना पाए। इसलिए लेकर जो कमियां पिछले चुनाव में रह गई थी उन कमियों को दूर करते हुए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा जीतने की स्थिति बना सके और लगातार जो कार्यकर्ता है उनको संगठित किया जा सके। जी बिल्कुल अरविंद जी, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा भी जाता है कि कैडर वाइज पार्टी है और ऐसे में हर एक कार्यकर्ता को काफी तवज्जो यहां पर पार्टी में दी जाती है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मिशन 2023 फतेह करने को लेकर युवाओं में ऊर्जा भरनी होगी, तभी जो है यहां पर एक अलग रणनीति के तहत मैदान में उतरा जा सकेगा। तो क्या लगता है, जिस तरह से यूथ को मजबूत करने को या यूथ विस्तारक जो अभियान चलाया जा रहा है उसका कितना असर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी दिन होगा इसको चलते हुए? देखिए कमर, जो भाजपा का ठीक टैंक है, जो विचार करते हैं, जो विचारक हैं, वो लगातार जो पिछली कमियां रही हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से 18 साल से ऊपर की सरकार है तो कहीं सरकार के खिलाफ जो माहौल बन सकता है उसको कम से कम किया जा सके और लगातार जो कार्यकर्ता है उनको संगठित करके उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको बूथ लेवल पे मोटिवेट किया जाए और जो वोटर हैं उनको लगातार निकाला जा सके, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो लगातार सरकार रहती है उनके खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत माहौल बनता है, उस माहौल को समाप्त किया जाए और जिस तरीके से वोटर को मोटिवेट किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे, उनकी जो योजनाएं हैं, जो जनता को लाभ मिल रहा है उस लाभ को घर घर तक बताया जाए और उसको लेकर एक माहौल बनाया जाए, जो चुनाव जो आने वाला चुनाव है उसमें सफलता कैसे मिलेगी उसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास में बूथ विस्तारक जो योजना है बूथ विस्तारक उस पर भी काम किया जा रहा है। कमर चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका अरविंद जी तमाम बात के लिए। तो बूथ विस्तारक जो अभियान है उसको लेकर लगातार गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी कदम उठाती नजर आ रही है और बूथ की मजबूती पर बीजेपी का फोकस लगातार बना हुआ है। सिवनी में बूथ विस्तारक पर चर्चा होने जा रही है और इसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शिरकत करेंगे। सागर में प्रदेश से प्रभारी रामशंकर कठेरिया भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा और बैठक कर बूथ को किस तरह से मजबूत करना है इसको लेकर बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।